उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो आज मतगणना चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को जहां प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है, आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की राजधानी से लगे हुए जनपद हरदोई की। यहां आठों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं और उनके समर्थक हमारे साथ हैं। इन लोगों से बात करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा भाई साहब। और हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया था कि हम लोग माननीय नेता श्री नरेंद्र पार्टी के संरक्षण में आठों विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। मुद्दे क्या थे चुनाव में, काहे के किन मुद्दों पर भाजपा जीती है? धारा 370 अहम, जो एक सपना था, अयोध्या का रामलला का मंदिर एक सपना था, सुरक्षा व्यवस्था और गरीब लोगों तक राशन, जिनको कोरोना काल में जो लोग परेशान थे। समाजवादी पार्टी 403 सीटों की जीत का दावा कर रही थी, कैसे कहेंगे? वो तो भैया समाजवादी पार्टी वो उनके दावे खोखले थे, उनके दावों में कोई दम नहीं है। विकास और सुशासन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और आगे 100 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यह सरकार गरीबों की, कमजोरों की, निर्धनों की, युवाओं की है और यह हर आदमी राष्ट्रभक्तों की सरकार है। यह गरीबों की सरकार ये आगे भी रहेगी। और अभी एक ताजा अपडेट हमें मिला है कि उत्तर प्रदेश में एक साइकिल तेज रफ्तार से चली आ रही थी, उसको एक बुलडोजर ने कुचल दिया। बुलडोजर आगे बढ़ गया और वो बुलडोजर एक बाबा का बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार थी है और आगे भी रहेगी। खदेड़ा होगा, कोई खदेड़ा नहीं होगा, कोई खदेड़ा नहीं होगा। उत्तर जो होती है भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं ने, और यहाँ जनता, गरीब जनता है, उसने एक एक हर चीज का जवाब दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। खदेड़ा आप वहाँ पर जहाँ पर जो कह रहे थे खदेड़ा होगा, वहाँ पर जुतेड़ा होगा। उन्होंने जो हमें जवाब दिया है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है हम लोग। समाजवादी पार्टी को क्या जवाब है आप लोगों की तरफ? नेता ने बता दिया है कि 11 तारीख को उनकी लंदन की फ्लाइट बुक हो चुकी है। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पुनः पूर्ण विश्वास से बाबा योगी जी के सरकार को भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाने का जो जनादेश दिया हुआ है, उसके लिए प्रदेश और हरदोई जिले की जनता को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला बहुमत ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है, ये पूरे प्रदेश का बहुमत है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जरूर है, लेकिन इसको पूरे प्रदेश की जनता ने लड़ा है, विकास के मुद्दे पर लड़ा है और इसी विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट किया हुआ है। और इस प्रदेश में खुलकर सामने आ गया है कि विकास होगा, सरकार चलेगी और भाजपा की 800 सीटें हमारी। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि 403 सीटों पर जीतेंगे, कैसे? समाजवादी पार्टी तो चुनाव से पहले भाजपा का सुपड़ा साफ कर रही थी, लेकिन आने वाला समय आज की तारीख में ये पता चल गया है जनता को कि समाजवादी पार्टी का कहां पर है और उसका स्तर क्या है। वो 403 सीटों से दूर की बात है, वो 103 पार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। हम यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ टोटी खोलो सरकार नहीं, टोटी खोलेंगे और कितने, लंदन की फ्लाइट बुक हो चुकी है, जाइए आज छुट्टी पे जाइए, और कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारे साथ थे भाजपा के समर्थक, ये लोग खुशी का माहौल है, लोग जश्न में डूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर। भारत के लिए अरविंद तिवारी हरदोई।